स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम मार्च 2020 में नियुक्ति और निर्वाचन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, और जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत कर रहे हैं इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ आपके सामने अदनान अल जुर्फी, ये आपके जो हैं ईरान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अदनान अल जुर्फी ईरान के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। यह सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मेंट क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है डेनिस सिन्हल, ये बनाए गए आपके यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री, यानी कि डेनिस सिन्हल जो हैं आपके, ये आपके यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमिताभ बच्चन जो हैं आपके अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें लिखा आपका करण बाजवा, करण बाजवा जो है आपके गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और ये जो आपका गूगल क्लाउड सेंटर कहाँ पे खुलने जा रहा है आपका अभी हाल ही में, ये आपका दिल्ली में खुलेगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है करण बाजवा जो हैं गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें लिखा आपके सामने ए अजय कुमार अभी हाल ही में यानी कि युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ए अजय कुमार जो हैं आपके युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है नूपुर कुलश्रेष्ठ जो है आपके इंडिया कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी हैं। नूपुर कुलश्रेष्ठ जो है आपकी इंडिया कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी हैं। और हम आपको इसमें सभी फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं सभी क्वेश्चन ताकि आपको जल्दी याद हो जाएं। और इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है आपके दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले यानी कि सबसे अरबपतियों में प्रथम नंबर पे हैं, यानी कि बर्नार्ड अर्नाल्ड जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंजन गोगोई, बहुत ही ज़्यादा मोशनमेंट क्वेश्चन है, ये आपके राज्यसभा के सदस्य अभी हाल ही में बनाए गए हैं।
रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं और इससे पहले क्या थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने ही अयोध्या का फैसला सुनाया था। ध्यान रखना आप ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टमेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले क्या थे, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश पद पे रह चुके हैं और इन्होंने अयोध्या का फैसला सुनाया था। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ आपके सामने टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट जो है आपकी गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली महिला बनी हैं। टेलर स्विफ्ट जो है आपकी गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली महिला बनी हैं और ये आपकी गायिका हैं, पॉप गायिका, और ये अमेरिका से हैं। टेलर स्विफ्ट इनका नाम है और ये गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली महिलाओं में इनका नाम है। और जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अरुंधति भट्टाचार्य का नाम, ये आपकी बनाई गई हैं, यानी कि सेल्स फोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है। अरुंधति भट्टाचार्य को सेल्स फोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन मोस्टमेंट हैं, यहाँ से आपको एक या दो नंबर का क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ध्यान रखना आप ये अरुंधति भट्टाचार्य सेल्स फोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है इन्हें अभी हाल ही में है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, हरदेश कुमार। हरदेश कुमार का नाम आया है सुर्खियों में अभी, जम्मू कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, यानी कि हरदेश कुमार को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना आप ये सभी क्वेश्चन मोस्टमेंट हैं, हरदेश कुमार को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सत्यरूप सिद्धांत। इनका ज़्यादा क्वेश्चन मोस्टमेंट है, सत्यरूप सिद्धांत ये जो आपके भारतीय पर्वतारोही हैं और इनका नाम अभी हाल ही में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, यानी कि सत्यरूप सिद्धांत जो है भारतीय पर्वतारोही हैं, इनका नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इनकी एज कितनी है, 35, यानी कि सबसे कम एज के हैं ये। इनका नाम जो है लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है और ये जो आपके भारतीय पर्वतारोही हैं और ये पश्चिम बंगाल राज्य के हैं और इनका नाम क्या है, सत्यरूप सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स जो है आपके वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फ्रेम में शामिल इनका नाम कर लिया गया है, यानी कि टाइगर वुड्स जो है आपके इनका नाम जो है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फ्रेम में इनका नाम शामिल कर लिया गया है। हमने सभी क्वेश्चन आपके फ़ोटो के माध्यम से बनाए हैं ताकि आपको जल्दी ये क्वेश्चन याद हो जाएं। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये आपके टाइगर वुड्स की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजीव बजाज, ये आपके सामने ये फ़ोटो बनी हुई है, ये राजीव बजाज है। तो इसमें लिखा हुआ आपके सामने बजाज ऑटो का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि राजीव बजाज को बजाज ऑटो का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का नाम आया है सुर्खियों में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, COVID-19 संकट से निकलने के लिए फीफा अभियान के लिए नामित किया गया है इन्हें।
सुनील छेत्री को यानी कि कोविड-19 संकट से निपटने के लिए फीफा अभियान के लिए नामित किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्टमेंट हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो ध्यान रखना, आपकी सुनील छेत्री जो है कोविड-19 संकट से निकलने के लिए फीफा अभियान के लिए इनको नामित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे मैं आपके सामने इसी प्रकार की नई नई सीरीज लेकर आएंगे क्वेश्चन की, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा यानी कि सफलता मिल सके आपको। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।